हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोक सर अमलेटेड स्टडी जोन आप सभी का स्वागत है हम लोग सैम्पल पेपर नाइन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं एडोकाट पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर नाइन जो कि स्पेशल सैंपल पेपर था जो टीचर्स को दिया गया था कि एक पेपर जो है बच्चों के लिए काफ़ी मददगार होगा उसको हम सॉल्व करा रहे हैं देखिए तो साइंस सैम्पल पेपर में आपके पास जो वन क्वेश्चन हैं वन बाई वन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ बिलो द शोन वेरिएशन इसको हम लोगों ने कर लिया था न पहला हो गया था ना बोलिए स... नहीं, नहीं अच्छा नहीं ये सारे कराने हैं कि ट्वेंटी से कराने हैं सारे कराने करा हैं करा 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 चलो एक बार देख लेते हैं जिनमें टाइम देना होगा दे देंगे कोई बात नहीं है ना ठीक है एक तरफ से तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन हो चुका है बेटा बात ही नहीं करो क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन तो बायो वाला है उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर मिल रहा है तो आर्टरीज में दिख रहा है दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर टू है कि स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू थ्री एम एल ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क अब सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए है ना एंड थ्री एम एल ऑफ़ द बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम सल्फेट की सोडियम सल्फेट एन ए टू एस ओ फोर और बेरियम क्लोराइड बी ए सी एल टू की रिएक्शन क्या हुआ करती है ओके तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा ओके चार ऑप्शन दिए दिए हुए हैं भाई साहब बहुत बढ़िया तो आपको पता होगा ये जो टोटल रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है पता है कि नहीं पता yes, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है है ना अब इसके बाद इसमें क्या होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होता है तो ऑब्जर्वेशन ये दिया है बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए बैरियम सल्फेट इज सल्यूबल इन वाटर वेट 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 बैरियम सल्फेट सल्यूबल इन वाटर ओके रिएक्शन तो बिल्कुल सही दी हुई है एन ए टू एस ओ फोर इक्वल टू बी एस ओ फोर प्लस टू एन ए सी एल तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या बी है एक्जैक्टली exactly. इसका आंसर क्या है बी बच्चों आपको जो सोल्यूशन में ये एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना ये जरूर पढ़ा करो अगर आप इसको छोड़ते हो ना तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये जो सोल्यूशन दिया है आपके पास मैंने सल्यूशन भी दिया है तो अपने सोल्यूशन को निकाल करके रख लीजिए क्योंकि आंसर चेक करने का वक्त आ गया है मैं पढ़ देता हूँ देखिए ऑब्जर्वेशन ए अवाइड ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्मड एज अ सोडियम क्लोराइड एज अ सोडियम क्लोराइट सोल्यूबल इन वॉटर केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस रिएक्शन तो पता है ना आप लोग को एक्सप्लेनेशन द रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइट एंड सोडियम सल्फेट इज अ डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन सही बात है बेटा डबल डिसप्लेसमेंट के साथ साथ ये कौन सी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी है yeah. तो आपसे कोई डबल डिस्प्लेसमेंट का पूछे तो ये एग्जाम्पल दे दो प्रेसिपिटेशन का पूछे तो यह एग्जाम्पल दे दो इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन the the बिल्कुल सही बात है और ऐसे किसके साथ चला जाता है बी ए के साथ form में वो फॉर्म होता है प्रेसिपिडेट में और सोडियम क्लोराइड होता है वो पानी में घुल जाता है बोलिए तो करेक्ट आंसर इसका क्या है बी करेक्ट आंसर इसका है बी डन आगे बढ़े तो इसमें अपन को वन मार्क्स मिल गए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू इज डन वन मार्क्स हमने आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए बच्चों वन मार्क्स है ना अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं भाई साहब कॉलोनीज ऑफ द ईस्ट फॉल टू मल्टीप्लाई इन वाटर बट मल्टीप्लाई इन सुगर सोल्यूशन आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दिस भाई तीसरे का आंसर बायोलॉजी का क्वेश्चन है तीसरा वाला बातें नहीं करो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का है इसका आंसर लगाइए तीसरे का है ए ओके okay? तीसरे का आंसर है ए आंसर क्या है सुगर सोल्यूशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन जो शुगर का सोल्यूशन होता है ऑप्शन ए है उनको खाना देता है एक्सप्लेनेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ द एन ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज ऑफ द यूस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन द वाटर वेल मल्टीप्लाई इन सुगर सोल्यूशन एज दे गेट न्यूट्रिशन एंड हैंस एनर्जी फ्रॉम द सुगर सोलूशन वेर एज देर इज नो सच फूड ऑफ सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी इन वाटर वाटर में किसी प्रकार का उनको खाना नहीं मिलता है मगर सुगर सोल्यूशन में उनको क्या मिलता है खाना मिलता है डन गाइज ओके सो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ह्यूमन यूरिंग स्मेल ऑफ अमोनिया अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इज अलाउड टू स्टैंड स्मेल ऑफ अमोनिया इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर समाइम बिकॉज यस जो इंसान का यूरिन होता है वो अमोनिया की बदबू देने लगता है ओके okay. अलाउड टू स्टैंड फॉर समाइम बिकॉज ऑप्शन नंबर इसका क्या कह रहे हैं आप ए इट 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 डिकम्पोज अमोनिया बाई बैक्टीरिया चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल राइट आंसर ए है वन मार्क्स आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन ये जो होता है डिकम्पोज हो जाता है ओके okay? डन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब ये क्वेश्चन क्या है आई स्टूडेंट स्टडी फॉलोइंग ग्राफ रिलेटिव रिस्क मैन एंड वुमेन सीरम यूरिक एसिड भाई साहब ये भी जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है और सीरम यूरिक एसिड का कुछ ग्राफ दिया गया है चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ का क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हाँ आंसर है इसका बोथ वन एंड बोथ टू एंड थ्री इसका आंसर है बोथ टू एंड थ्री तो दोनों और तीन तीनों इसका आंसर है तो चेक कर लिए आप लोगों में से कितने ने दो और तीन दोनों लगाया है सही है चलिए सिक्स वाले का क्वेश्चन का देखिए सिक्स वाला क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन भाई प्ले प्लानरिया होता है ये तो बहुत ईजी है रीजनरेशन जो होता है में पाया जाता है वन मार्क्स ठीक है बच्चों कोई दिक्कत है नहीं। तो नहीं ना इसमें चलिए तो प्लानरिया वाला क्वेश्चन हो गया अगला चलते हैं प्रिज्म ए बी सी हाँ ये आ गया मेरा फिजिक्स का क्वेश्चन प्रिज्म में ए बी सी पोजिशन इन द बेरियस वेज विद बी सी एज रिफ्लेक्टिंग बेस अ लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आफ्टर डिस्पर्सन हैज द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप मैच द स्काई कलर लियो भाई कह रहा है कि इसमें से किस कॉम्बिनेशन में आपको जो है तीसरा कलर देखो तीसरा कलर जो है तीसरा कलर जो है थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऊपर से थर्ड कलर जो है टॉप से वो स्काई कलर को मैच करेगा भाई स्काई कलर कौन सा कलर होता है ब्लू कलर बोलिए मतलब आप सीधी सीधी बात है ब्लू कलर से मैच करने की बात कर रहे हैं आपको ब्लू कलर चाहिए ठीक है तो विव ग्योर। विव ग्योर। ना तो आपको बोल रहा है कि ऊपर से थर्ड कलर तो भैया ऊपर से थर्ड कलर तब होगा जब लास्ट में रेड कलर होगा जब लास्ट में कौन सा होगा रेड कलर बोलिए यह सोनो अब देखो नॉर्मल प्रिज्म में बच्चों नॉर्मल प्रिज्म में सबसे नीचे कौन सा कलर बनता है वायलेट वायले, वायले। यस तो हमको उल्टा प्रिज्म रखना पड़ेगा जिससे कि हमको वायलेट कलर सबसे ऊपर मिल जाए बिल्कुल तो देखिए उल्टा प्रिज्म रखिए उल्टा प्रिज्म रखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेविएटेड कलर आपको वायलेट कलर ऊपर मिलेगा तो आंसर इसका बी होना चाहिए क्या होना चाहिए बी आंसर ये लो भाई बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर बी है इसमें अगर आप उल्टा रखेंगे अगर आप इसमें उल्टा रखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा कलर आएगा वॉयलेट क्लियर यस ऑन नो हाँ mm -hmm. ठीक है ना तो यदि आप इसको प्रिज्म को उल्टा रख देंगे तो आपके पास सबसे ऊपर कलर हो जाएगा वॉलेट ये देखिए ये भी ये आएगा तो उप सबसे ऊपर कलर हो जाएगा कौन सा वॉलेट ठीक है ना yes, जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और सबसे कम कौन सा होगा डेविएट yes, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है तो उल्टा प्रिज्म रखने पर वॉलेट सबसे ऊपर आ गया है चलिए हाँ अब देखिए मतलब क्वेश्चन वही है तो घुमा करके इतने तरीके से दे रहा है कि आप लोग घूम जाओ यस क्वेश्चन नंबर सेवन डन गाइज नो क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट आ जाओ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए आराम से आराम से मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए देखो भाई लाइट जा कहाँ से रही है ये है वन बोलो हाँ और लाइट जा किस में रही है ये है मीडियम टू कहो भाई ये सब समझ में नहीं आया क्या मैंने डायग्राम दिखाया जो इट डाउनसो आठवा नंबर क्वेश्चन चल रहा है यार कौन सा क्या हां भाई लाइट जा कहां से रही है वन से और लाइट जा किस में रही है टू में जाने वाले को जाने वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे लाइट जा रही है उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते कि नहीं बोलते मतलब ये जो थर्टी है क्या बनेगा भाई साहब आई बनेगा क्या बनेगा आई और फोर्टी फाइव क्या बनेगा और अब क्या कह रहा है कि भाई साहब बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए मतलब आपको बताना है म्यू बी अपॉन म्यू म्यू बी अपॉन म्यू एस नो म्यू बी अपॉन म्यू ए मतलब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम इसको मैं लिख सकता हूँ वन म्यू टू भी लिख सकता हूँ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर ओके इसका आंसर जो आएगा आपके पास आएगा साइन आई अपॉन साइन आर यस एग्जैक्टली तो साइन आई देखिए आपके पास में आई आपके पास में देखिए कितने डिग्री है सिक्सटी डिग्री है कि नहीं है और आर कितने डिग्री है फोर्टी फाइव बोली एस की नो भाई आई आपके पास में सिक्सटी डिग्री है और आर आपके पास में कितने डिग्री है थर्टी डिग्री है तो आपके पास जो बनेगा फॉर्मूला यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर का साइन सिक्सटी अपॉन साइन फोर्टी फाइव लग गई साइन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री बाई टू साइन फोर्टी फाइव कितना होता है वन अपॉन रूट टू ओके इसको सिंपलीफाई कर दो रूट थ्री अपॉन टू रूट टू सबसे ऊपर और वन नीचे रूट टू से रूट टू कट जाएगा आंसर कितना आएगा बोलिए कंप्लीट रूट थ्री अपॉन टू आया है क्या वन मार्क्स दे दीजिए वन मार्क्स दे दीजिए क्लियर हो गया चलिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको मेहनत कर देता हूँ आपके साथ में हलो बच्चों इधर देखो थोड़ी सी मेहनत करूँगा मैं आपके साथ में यहाँ पर देखिए हाँ यहाँ पे मेहनत वाली बात यह है बच्चों कि देखो भाई साहब अगर आपके पास लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है म्यू वन से लेके किस में म्यू टू में ध्यान से सुनना इस बात को म्यू वन से लेके म्यू टू में जाती है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्क्टिव इंडेक्स म्यू टू का किसके रिस्पेक्ट में म्यू वन के रिस्पेक्ट में म्यू टू का किसके रिस्पेक्ट में म्यू वन के रिस्पेक्ट में इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर यस दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो साइन आई अपॉन साइन आर यूज होता है ठीक है ना अभी देखिए आपने आपने किसका निकाला है आपने जो है इसका निकाला है इसके रिस्पेक्ट में म्यू टू अपॉन म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन ठीक है ना बट तो ये देख लीजिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में किसका निकाल रहे हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन अपॉन सारर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू यह रूल चलता है बच्चों और म्यू टू अपॉन म्यूवन को बोलते हैं अपन वन म्यू टू क्या बोलते हैं One, two, जिसको लिखते हैं अपन म्यू टू अपॉन म्यू वन पहले बाद वाला और फिर पहले वाला चलो अगर आप मुझसे कहोगे कि सर हमें निकालना है फर्स्ट मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में सेकेंड ये देखिए ये क्या लाता है टू म्यू वन मतलब ऊपर म्यू वन और नीचे कितना म्यू टू ऊपर म्यू वन है और नीचे कितना है म्यू टू है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको आपको लिखना पड़ेगा भाई म्यू वन अपॉन म्यू टू तुम तो उल्टे हो किसके म्यू टू अपॉन म्यू वन के तो अब जो हमारे पास वैल्यू आई है उसका हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लियर हुआ कोई दिक्कत कोई दिक्कत ठीक है ना तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि उसने किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में पूछा है अभी यहां पर लाइट जो है टू से लेके वन में गई थी तो फर्स्ट मीडियम क्या बन जाएगा म्यू वन और सेकेंड मीडियम क्या बन जाएगा एक्चुअली यहां पे यह, मतलब यहां पे पहला मीडियम इधर से देखोगे तो यू वन बनेगा इधर पे बनेगा तो म्यू टू बनेगा मतलब डायग्राम अपन को अलग बनाना पड़ेगा तब नीचे वाला जा, लाइट जहां से चलती है वो पहला मीडियम और जहां चलती है जिसके अंदर चलती है वो दूसरा मीडियम तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है दो चार सीन में लेके बता देता हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा रुको देखो भाई ये मान लो म्यू वन है और ये मान लो म्यू टू है लाइट ही आ रही है ओके अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया कि भाई मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो किसका म्यू टू का म्यू वन के रिस्पेक्ट में म्यू टू का किसके रिस्पेक्ट में म्यू वन के रिस्पेक्ट में तो क्या करोगे बच्चों इस समय आप करोगे सिंपल साइन आई अपॉन साइन आर चलो अब ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ फिर की लूंगा तुम्हारी ये देखो भाई साहब ये वाला मीडियम म्यू वन और ये वाला मीडियम म्यू टू लाइट चली दूर चली गई चलिए बताना है आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका आपको बताना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू का सेकेंड मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में ये बताओ इस बार जो है क्या हो जाएगा यहां पर ये एंगल आई है ये एंगल आर है पिछले बार ये आई था और ये बार आर था अब बताओ क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर कि साइन आर अपॉन साइन आई बिल्कुल सही आ? क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत कह दिया आपने साइन आई अपॉन साइन आर ही होगा देखिए डायग्राम मैंने उल्टा कर दिया अभी भी मैं सेकेंड मीडियम का निकाल रहा हूँ फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो इंसिडेंट एंगल आई है ना भाई साहब और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है आर है इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल ध्यान में रखना है साइन एपॉन साइन आर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ yeah, चलो ठीक है ना तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन साइन आर दूसरा देखो इसमें और कन्फ्यूज़न क्रिएट करूँ मैं आपके लिए एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हूँ ये देखिए ये मीडियम है आपका यहाँ से लाइट चली ओके ये म्यू वन है ऊपर वाला म्यू टू है आपको बताना है म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन ये एंगल आई है ये एंगल आर है अब आपको बताना है म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू म्यू टू क्या होगा बताइए सॉरी उल्टा लिख दिया क्या है? मैंने हाँ उल्टा लिख दिया आपको बताना है म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू म्यू टू बताइए क्या होगा जो साइन आई अपॉन साइन आर कह रहे हो उनको जीरो मार्क्स एग्जैक्टली exactly. इसका आंसर होगा क्या साइन आर अपॉन साइन आई देखो क्यों होगा बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है पहला मीडियम म्यू वन है दूसरा मीडियम म्यू टू है तो क्या बनेगा सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई डन क्लियर हुआ चलो तो फिर सारा का सारा ऑप्टिक्स यहाँ पे क्लियर हो गया है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट हो गया डन बच्चों ठीक है ना चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर एट हो गया डन वन मार्क्स मिल गया इसमें भी क्वेश्चन नंबर एट डन ना क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं देखो जी क्वेश्चन नंबर नाइन पे इतना बड़ा ग्राफ बना हुआ है ये लो भाई साहब क्या बोल रहा है ये खतरनाक ग्राफ आई स्टूडेंट अरेंज द फॉलोइंग एपरेटस आई स्टूडेंट अरेंज द फॉलोइंग एपरेटस फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस देखो भाई साहब ये आपके पास एक स्टूडेंट रखा जिन्हें काम कुछ किया है उसने एक अप्रेटस जमाया है और उसको पावर ऑफ फोकस लेंस निकालनी है इसकी आइए देखते हैं क्या क्या किया उसने और उसने ये ग्राफ प्लॉट किया है ठीक है ना द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द लेंस उसको बताना है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है पावर ऑफ द लेंस की इस क्वेश्चन को समझिए ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में बच्चों मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ देखिए आपके सामने जो है ये आपके पास लाइट सोर्स है और ये आपके पास बेंच है लाइट सोर्स से लेकर के ले लेंस तक की दूरी को यू बोलते हैं बोलो यस यस्किनो तो लाइट सोर्स से लेकर के लेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं यू और यहाँ से लेकर के लेंस से लेकर के जहां पर इमेज बनती है जहां पर इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं वी यस और नो और इसके बाद हमारे पास लेंस है तो लेंस की फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इससे अपनी आ जाएगी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी अपनी फोकल लेंथ और फोकल लेंथ निकालने के बाद हमारे पास पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है कि नहीं होता चलो भाई साहब अब देखो इनका क्या कहना है इनका कहना है कि हमने इसका यूज़ करके लेंस का यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट इतने पे रखा वी इतना आया वन अपन यू इतना आया वन अपन वी इतना आया और वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इतना आया भाई आई डोंट नो ये हमको वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी देने में क्यों इतना इंटरेस्टेड है ठीक है ना चलिए ठीक अच्छी बात है फिर वन अपॉन यू और वन अपॉन वी की वैल्यू इन्होंने बता दी है और फिर हमसे बोल रहे हैं कि बताइए आप पावर ऑफ लेंस क्या होगी हमको दोनों वैल्यू उन्होंने वन अपॉन यू और वन अपॉन वी की दे दी है और हमारे से ये पावर ऑफ लेंस हमसे पूछ रहे हैं एक मिनट जी एक मिनट ठीक देखिए चलो 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 कोई बात नहीं इधर सुनो देखिए यहां पे जो पहला जो टेबल दिया है हर टेबल में देखिए वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी कितना आया है जीरो 0G. जी पॉइंट जीरो जी सिक्स सेवन दिख रहा कि नहीं दिख रहा ओके okay, ला इधर टेबल में हाँ हाँ जी यह हमारे पास इस टेबल में जो वैल्यू आई है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी की हर बार जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन आई है एक बार आई है सिक्स सिक्स ठीक है लग, नियर बाई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो ठीक है अब चलिए ध्यान से सुनिएगा कुछ यहां पे छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी तब ये क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से दिखेगा आप जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है कि नहीं होता ठीक अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए किसके लिए कॉनवैक्स लेंस के लिए ठीक है ना तो वन अपॉन एफ इक्वल टू ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस भी जो सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है वो देखिए वो बन रही है आगे की तरफ बन रही कि नहीं बन रही है yes. मतलब भी आपका पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ सोच के बताओ yes. बहुत अच्छे बच्चों अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने पॉजिटिव तो पहले केस में आपने व्ही पॉजिटिव ले लिया है चालीस ले लिया yes. रख दो भाई आपने वी जो है चालीस ले लिया है ये मैंने आपके लिए रख दिया वन अपॉइन फोर्टी रख दिया yes. माइनस वन अपॉन यू ये क्वेश्चन केवल और केवल आपको बरगला रहा है जिसको कहते हैं कि आपको ये मूर्ख बना रहा और कुछ नहीं आपके पास थरी यू, थरी मैं यू रख दिया चलिए छोड़िए उसको सही कर देता हूँ वन अपॉइन्ट ट्वेंटी फोर है इमेज कहाँ पे बनी है ट्वेंटी फोर मैं उसको सही कर देता हूँ ये लीजिए आपने यहाँ पे इमेज रख दिया ट्वेंटी फोर पर ट्वेंटी फोर प्लस का कि माइनस का था था था। अच्छा यू दुनिया में हमेशा निगेटिव होता है कि पॉजिटिव तो इन लोगों ने टेबल में U को 40 लिखा है इन लोगों ने टेबल में क्या लिखा है U को 40 लिखा है लिखा कि नहीं सॉरी 30 40 लिखा कि नहीं लिखा तो ये और साथ में इन लोगों ने कोई साइन नहीं, लगा नहीं लगाया लगाया कि नहीं लगाया बट U हमेशा देखो ऑब्जेक्ट के U यू, यू के लिए माइनस तो अपन अपनी तरफ से माइनस लगाएं कि ना लगाएं अपनी तरफ से अपन माइनस लगाते हैं बेटा ये कितना हो गया माइनस का 40 तो इन लोगों ने हमारे सामने क्या कलाकारी करी है इन लोगों ने थोड़ी चालाकी कर दी है इन लोगों ने डायरेक्टली जो हमारी कैलकुलेशन करनी है उसको इन लोगों ने डायरेक्टली वन अपॉन यू प्लस वन अपॉइन वी कर दिया इसलिए क्योंकि वो यू अपने आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बेटा अब चाहो तो आप अलग अलग सॉल्व कर भी सकते हो ना चाहो तो उन लोगों ने ऑलरेडी हमको वैल्यू निकाल के दे रखी है दिख रही है आपको वैल्यू कि नहीं दिख रही कितनी है वैल्यू बोलो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन कितनी वैल्यू दिख रही है बिल्कुल सही तो जीरो पॉइंट जीरो आई है वैल्यू किसकी आई है वन अपॉन एफ की वैल्यू तो भैया वन अपॉन एफ की वैल्यू आई है हल करने पर वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन जीरो सॉरी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन यस की नो no? yes. तो हमको फोकस चाहिए है तो एफ ऊपर जाएगा तो ये वन के नीचे आएगा कि नहीं आएगा ओके okay. और एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी भाई इसकी यूनिट क्या है वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन सेंटीमीटर इनवर्स क्या है सेंटीमीटर इनवर्स मतलब ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास चीज आई है किस में आई है सेंटीमीटर में तुम लोग बातें नहीं करो मैं मना कर रहा हूं ना ध्यान दो कठिन क्वेश्चन है तो देखो अपने पास में वन अपॉन एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन आया है तो एफ इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन सेंटीमीटर और ऑप्शन हमारे किस में हैं ऑप्शन हमारे जो हैं ऑप्शन हमारे पूरे के पूरे जो हैं डायप्टर में है किस में है डाप्टर में तो डायाप्टर के लिए हमें मीटर में जाना होगा कि सेंटीमीटर में मीटर तो मीटर के लिए सेंटीमीटर को मीटर बदलो वन सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं वन अपॉन हंड्रेड होते कि नहीं होते तो वन सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए ऊपर किसका मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड का ये yes सोनो तो 100 अपॉन जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स सेवन ठीक है ना 100 अपॉन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन ये हो गया आपके पास में तो इसको सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए आपके पास में 0.067 देखो बच्चों वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन है जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स सेवन और ये आपके पास में आया है एक मिनट ये आपके पास में सेंटीमीटर में था ना मगर yes, में, में। तो सेंटीमीटर को तो मीटर बदलने के लिए कुछ और ही चीज़ हो जाएगी एक मिनट अब मेरे को क्वेश्चन पे डाउट उठ रहा है यहाँ पे ये सारी चीज़ें पावर फोकल लेंथ इक्वल टू आई है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन ओके देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा हुआ है वन अपॉन एफ इक्वल टू होता है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी नहीं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू तो यहाँ पर वन अपॉन एफ इक्वल्स टू आपने सॉल्व किया है और वन अपॉन एफ सॉल्व करने के बाद आपके पास में वन अपॉन एफ़ की जो वैल्यू आई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ओके देखिए जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन पर सेंटीमीटर इनवर्स ये यूनिट भी ध्यान रखो ये देखो यूनिट जो दी गई हुई है उसको ध्यान में रख करके बात करो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन पर सेंटीमीटर इनवर्स तो मैं लिख देता हूँ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ओके देखो रुको रुको रुको, रुको आराम से जल्दबाजी मत करो ये क्वेश्चन इतना आराम से नहीं है बहुत सारे बच्चे वही गलती करके आएंगे जो हम लोग करके आएंगे जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन अपॉन में सेंटीमीटर है कि नहीं है बच्चों ये बताओ है ना अब ये बताओ कि डायाप्टर जो होता है डायाप्टर बनने के लिए मीटर चाहना पड़ता है कि सेंटीमीटर मीटर।, मीटर तो यहां पे वन अपॉन एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन और एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे सौ इच्छा बेटा एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे मीटर बदलना है अरे यार वन अपॉन हंड्रेड मीटर होते हैं ओके तो देखिए वन अपॉन हंड्रेड और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए मीटर आएगा कि नहीं आएगा वन अपॉन हंड्रेड मीटर सो वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन एफ इक्वल्स टू देखिए हंड्रेड ये ऊपर चला जाएगा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा तो ये हंड्रेड ऊपर चला गया तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन वन अपॉन एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन इन कितना हो गया बोलो सौ और अपॉन में क्या बैठा है मीटर यस और नो यस और नो ठीक है कोई भी चीज जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना चाहिए पहली चीज अगर सीखना चाहते हो तो उसके साइंस के पूरे पीछे तक जाओ अगर आज हाँ बोल दोगे तो कल कुछ नहीं कर पाओगे फिर कि हाँ हमें निपटाना है या जबरदस्ती हम हाँ बोल रहे हैं ये फीलिंग लेके मत पढ़िए पूरा सीखो देखो ये आ चुका है अपॉन में मीटर अब इसको डेसिमल काटो क्योंकि आपसे नहीं बनता तो मैं सिखा रहा हूँ वैसे रूल ये होता है कि दो जीरो हैं तो डेसिमल के सामने दो जीरो हैं तो दो जीरो आगे ले आओ एक और एक दो तो आंसर बोलो कितना बचा सिक्स पॉइंट सेवन चलो ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देखो जीरो पॉइंट है जीरो सिक्स सेवन इंटू हंड्रेड डेस्मल ब्रेक करो ये डेसिमल ब्रेक किया डेसिमल की जगह वन और तीन डिजिट है तो तीन जीरो आ गए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया ऊपर है सिक्सटी सेवन और नीचे है टेन आंसर आ गया कितना सिक्स पॉइंट सेवन और ध्यान से देखो हाँ बेटा नहीं फोकल लेंथ नहीं आई है ध्यान से देखिए कुछ क्या चल रहा है वन अपॉन एफ आ रहा है और वन अपॉन एफ को ही अपन क्या बोलते हैं पावर तो सिक्स पॉइंट सेवन अपॉन मीटर बेटा वन अपॉन मीटर को बोलते हैं डायाप्टर वन अपॉन मीटर ही क्या कहलाता है डायाप्टर तो आंसर आ गया कितना सिक्स पॉइंट सेवन डायाप्टर बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन था बच्चों ये मतलब कि अच्छे अच्छे इस पर गलती करके आएंगे सो वन अपॉन वन अपॉन सॉरी कितना सिक्स पॉइंट सेवन डायाप्टर अपनी जो बुकलेट आंसर शीट मैंने आप लोग को दी है आंसर शीट में देखें उसको और क्वेश्चन को समझें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सिक्स पॉइंट सेवन डायाप्टर उसने लिखा इतना ईजी है बट इतना ईजी है नहीं देखने में वन अपॉन एफ निकाला है इसने जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन फिर एकदम से सिक्स पॉइंट सेवन लिख दिया आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा कैसे हो गया होगा है ना तो यहाँ पे हम आपको बताए देते हैं एक बार फिर से भाई ये जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन आया था वन अपॉन एफ जो आया था जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन करके बना था सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर सेंटीमीटर जी हाँ उसी को सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए सेंटीमीटर इनवर्स क्या बच्चों अगर आप मुझसे पूछ रहे हो इन्वर्स क्या है तो एक्स इनवर्स होता है तो वन अपॉन एक्स मीटर इनवर्स होता है बच्चों वन अपॉन मीटर और सेंटीमीटर इन्वर्स मतलब सेंटीमीटर की पावर माइनस वन वन अपॉन सेंटी मीटर तो ये देखें सेंटीमीटर इनवर्स को आप चाहें तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन अपॉन में इंटू वन अपॉन सेंटी मीटर कर दिया सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए वन अपॉन हंड्रेड का डिवाइड कर दिया तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन अपॉन में ये हो गया मीटर और सेंटीमीटर की जगह हंड्रेड का डिवाइड हुआ तो हंड्रेड पलट के कहाँ चला गया ऊपर चला गया तो ये बन गया सिक्स पॉइंट सेवन अपॉन मीटर और वन अपॉन मीटर को डायाप्टर ही बोलते हैं लिख लो कहीं पर कॉपी में कि वन अपॉन मीटर इज इक्वल टू डायाप्टर ठीक है सिक्स पॉइंट सेवन डायाप्टर आंसर सिक्स पॉइंट सेवन डायाप्टर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें क्वेश्चन नंबर टेंथ देखिए भाई क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टेंथ कह रहा है द ग्राफ बिटवीन द पावर डेसिपेटेड इन करंट फ्लोइंग इन द शोन बिलो आपको बताना है रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड इक्वल टू देखो भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता करेंट दी गई है यहाँ पे यहां पे करेंट दी गई है आपके सामने और पावर दी गई है एक पावर दी गई है और आपको करंट दी गई है आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा क्वाइल का ठीक देखिए पावर का फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई जानते हैं ना पावर इक्वल टू होता है वी आई और पी इक्वल टू होता है वी की जगह कितना होता है आई इन टू आर और ये हो गया आई तो पावर का एक फॉर्मूला आप लोग सब को सबको याद होना चाहिए आई स्क्वायर आर तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए पी अपॉन आई स्क्वायर पी अपॉन आई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ठीक है पी अपॉन आई स्क्वायर आर की वैल्यू हो गई अब ग्राफ से देखिए कि कहाँ पर आपको पी और आई स्क्वायर मिल जाएगा ये देखिए इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर बोलिए पावर कितनी है बहुत बढ़िया और इस पॉइंट पर आई कितनी है मतलब पी है पचास और आई है कितना पाँच आइए खेल देते हैं तो पी का मान है पचास और आई का मान है पाँच तो पाँच का स्क्वायर कितना पच्चीस तो आंसर रजिस्टेंस कितना हुआ दो बोलो समझ में आया कि नहीं आया है।, है ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है मगर फुल है इसलिए बच्चे जो हैं परेशान होंगे जरूर आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भैया जो इंसान का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है अस्सी होता है अस्सी हाँ, होता है बेटा वो है ना इसमें डायस्टोलिक बोला है बेटा हाँ नीचे का यस तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये हो गया इसमें ऑब्जर्व द रिएक्शन मेटल प्लस नॉन मेटल देखो भाई कह रहा है कि बताइए इस वाइट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉट वाई जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा या नहीं होगा अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि मेटल और नॉन मेटल की जब रिएक्शन होती है तो आयनिक कंपाउंड बनता है क्या बनता है आयनिक कंपाउंड यस देखिए किस तरीके से बनेगा मेटल आपके पास है और नॉन मेटल आपके पास में है तो देखिए एक है एन और एक क्या है सी एल यस और नो तो नॉन इनमें आयनिक रिएक्शन होती है और क्या बनता है एन ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड किस में घुलता है पानी में किस में घुलता है अगर आप मिट्टी के तेल में घोलोगे तो नहीं घुलेगा यस ऑन नो तो पानी कैसा है पोलर सॉल्वेंट है पानी कैसा है पोलर सॉल्वेंट और और मिट्टी का तेल क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या घुलेगा कि नहीं घुलेगा नो तो आंसर लगा दो भैया नो ठीक है हाँ देखो शाश्वत दो वर्ड है यहां पे ऊपर डायस्टोलिक साइस्टोलिक ठीक है ना तो दो वर्ड इन दोनों वर्णों का ध्यान रखना एक है डायस्ट्रोलिक और एक है सास्ट्रोलिक हाँ दैस्ट्रॉलिक। जी हाँ चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड <laughs> के बारे में ये थोड़ी सी अलग इसने इंफॉर्मेशन दी है इसको जरूर लिख लीजिएगा फिजिकल नेचर मैंने बताया था कि स्ट्रांग होते हैं यस और नो फिजिकल नेचर स्ट्रांग हुआ करते हैं और ब्रिटल होते हैं क्या होते हैं ब्रिटल पत्थर मारोगे इसमें हथौड़ा मारोगे तो टूट टूट के धूसर हो जाएंगे हाँ है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं हाई किलो बिल्कुल सही बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्यों क्योंकि इंटर एटोमिक अट्रैक्शन बहुत जोर का होता है बोलो यस और नो जीना मरना साठ साठ ठीक ना सॉल्युबिलिटी क्या होती है हाई पानी में सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते हैं बिल्कुल सही बात क्यों? है, yes no? साथ, साथ, है? पानी में सल्यूबल होते, है होते, है? है। होते हैं मगर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे नहीं घुलेंगे कैरोसिन में डालोगे घुलेंगे नहीं घुलेंगे नहीं घुलेंगे पेट्रोल में नहीं घुलेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं कि नहीं करते सॉलिड फॉर्म में कि लिक्विड फॉर्म में वेरी गुड लिक्विड फॉर्म में कौन मूर्ख बोल रहा है सॉलिड फॉर्म में दे से निकाल दिया जाए इसको ठीक है ना हाँ बेटा नहीं बोलो नहीं बोलो बेटा सॉलिड फॉर्म में के? अरे अरे महामूर्खों सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में, में होगा कहां से आयन मूव कर जाएंगे यार आ? कैसी बात करते हो चलो थ्री डिट नहीं देखी क्या मोर ओवर हाँ सॉलिड फॉर्म में नहीं करते लिक्विड फॉर्म में करते हैं और एक और चीज़ मोल्टेन फॉर्म में भी करते हैं किस फॉर्म में करते हैं मोल्टेन मोल्टेन मतलब एक चीज़ होती है पानी मिला कर के सल्यूशन बनाओ बोलो हाँ दूसरा होता है इतना गर्म कर दो कि पिघल जाए इतना गर्म कर दो पिघल जाए।, जाए तो मोल्टेन में भी तो लिक्विड बन जाएगा कि नहीं बनेगा तो बोलो कंडक्शन होगा कि नहीं होगा करंट लगेगी कि नहीं लगेगी चलो बहुत बढ़िया आ जाओ क्वेश्चन नंबर तेरहवें पे तेरवा लो भाई साहब ओ द ऑक्साइड फॉर्म इन द रिएक्शन सोन बिलो द डिजोल्व इन डिजोल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिड एसिड रुकना बेटा रुकना क्या कह रहा है कुछ था कुछ के साथ ऑक्सीजन मिलाया और ऑक्साइड बन गया बोलो हाँ और इस ऑक्साइड ने द ऑक्साइड फॉर्म टंस ए रेड टंस अ सोल्यूशन ऑफ रेड लिटमस इन ब्लू भाई लाल को नीला कौन करता है एसिड की बेस हाँ बेस क्योंकि एसिड होता है नीले को लाल करता है बोलो हाँ याद आया अनिल एसिड नीले को लाल तो बेस जो होगा लाल को क्या करेगा मतलब भाई साहब ये बेस है बोलो हाँ भाई साहब ये क्या है बेस है और बेस बेस जो होता है भ... मतलब ये बेस है और बेस किसका ऑक्साइड बेस होता है मेटल का कि नॉन मेटल का किसका ऑक्साइड बेस होता है मतलब ये जो चीज है वो बेस है तो बेस किसका किसका ऑक्साइड बेस होता है मेटल का कि नॉन मेटल का दाए दाए दाए। बिल्कुल सही बात है नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है तो आंसर बोलो क्या होगा मेटल आंसर होगा ए इसका मेटल दाए दाए चलो देखते हैं भाई साहब इसका आंसर कौन सा नंबर था यार ये थर्टीन करेक्ट आंसर क्या है मेटल समझ में आया की सीधी एक बात लिख लो कॉपी में मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक लिख लो भाई साहब मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक अगर भूल गए हो तो देख लो एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड ले लो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया एसिड और बेस पता कराने के लिए काय में घोलोगे रे पानी में पानी में घोलोगे तो ये बनाएगा आपके पास एम जी ओ एच हाँ और जिसमें ओ OH एच मिलेगा क्या होगा वो बेसिक हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया तो बेसिक होगा चलो जी बहुत बढ़िया आ जाओ भाई तेरहवा नंबर हो चुका है थर्टीन हो गया थर्टीन के बाद फोर्टीन पे आओ थर्टीन के बाद फोर्टीन पे आओ द थिकनेस ऑफ द ब्लड कैपलरीज भाई साहब रट्टा क्वेश्चन है ब्लड कैलपरीज की थिकनेस कितनी होती है ए ऑप्शन वन सेल थिक लगा लो बेटा वन सेल रट्टा क्वेश्चन रट रट्ट लो ब्लड कैपरीज़ की थिकनेस ठीक थिक है ना अगला क्वेश्चन बायोलॉजी वाला है आप कर लीजिएगा पंद्रवा क्वेश्चन पंद्रहवें के बाद आ जाइए सोलहवें क्वेश्चन में विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एडियाबाटिकबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इको सिस्टम अबायोटिक कौन सा है भाई साहब बायोटिक मतलब कि बायोलॉजिकल फैक्टर अबायोटिक मतलब जो बायोटिक ना हो टेम्परेचर विंड रेन फॉल बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर टेम्परेचर नंबर है ना बैक्टीरिया अबायोटिक कौन है बैक्टीरिया तो नोट कर लो ये भी रटने वाली चीज़ है कि भैया यहाँ पे जो बैक्टीरिया होती है अबायोटिक होती है फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ओके तो जो है नॉट एन एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया है ठीक है ना चलिए अब इसके बाद आ चुका है अपने पास में एसरसन रीजन एसरसन और रीजन चलो भाई साहब पहला एसरसन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर एलिमेंट मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉम्ब ऑफ कार्बन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज बताओ भाई पहला वा, पहला वाला स्टेटमेंट एग्री है दूसरा वाला भी सही है क्या दूसरा वाला रीजन पहले वाले को सही डिफाइन कर रहा है चलो तो देख लेते हैं आंसर इसी बात पे भाई साहब ठीक है ना पहले वाले का आंसर ए है करेक्ट आंसर 17 का ए बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन इसको करेक्टली डिफाइन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर यूज्ड बाय न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट मैसेज अक्रॉस द जंक्शन सही बात है कि गलत बात है गलत बात है कह रहे हो चलो एट्टीन का डी है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू सेकेंड वाला ट्रू है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 19 बायो का है देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ऑल इको सिस्टम इज यूनि डायरेक्शनल बोलो सही बात है कि गलत बात है सही है द ग्रीन प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल इकोनॉजम कैप्चर अबाउट द टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी सनलाइट द फॉल्स दियर लीव्स अच्छा तो मतलब आपका कहना है ए सही है बट आर गलत है बिल्कुल सही ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स वेरी गुड बच्चों <laughs> चलिए ये भी कर लिया बच्चों ने हमारे बायोलॉजी का क्वेश्चन अब आइए लीजिए भाई साहब बात है लो भाई अब दमदार क्वेश्चन आ गए और मजेदार आएंगे एवरीडे आई यू सी इंजॉय द कोल्ड भैया ठंडा मतलब कोका कोला पीता है चॉकलेट स्वीट भाई साहब बड़ा आदमी है ही हैज ए टूथहैक दांत में क्या हो गया दर्द हो गया आफ्टर ईच मील आफ्टर इंक्लूडिंग स्वीट हि सेंस साइंस टीचर सॉरी मतलब उसके जब जब खाना खाता है तो दांत होता है उसके साइंस टीचर ने बताया कि भाई साहब ब्रश करो क्या करो हाउ आर द द ईट ईट स्विंग्स स्वीट्स एंड चॉकलेट चॉकलेट खाने के बाद कैसे होते हैं लो भाई साहब शुगर में जो होती है बैक्टीरिया होती है क्या होती है बैक्टीरिया बोलो यो जैसे ही खाना खाते हो तो शुगर में बैक्टीरिया डिकम्पोज होकर के एसिड बनाती है क्या बनाती है और एसिड बनाने के कारण जो आपके मुंह का जो पीएच होता है वो पांच दशमलव पाँच से नीचे चला जाता है पांच दशमलव पांच से अब पाँच दशमलव पाँच बोलो ये खट्टे की घंटी की मीठे की घंटी है हाँ ये खतरे की नहीं खट्टे की घंटी मतलब मुंह खट्टा हो गया एक्सेसिव बैक्टीरिया आ गए हैं और यहाँ पर पाँच दशमलव पाँच पे जो हमारे दांतों के एनामेल जो कैल्शियम और फोरफोरस से बने होते हैं वो घुलना शुरू हो जाते हैं और उसको बोलते हैं टूथ डिके क्या बोलते हैं टूथ डिके समझ गए याद है आंटी हेलो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है वो आंटी याद है ना हाँ yes, वो इसीलिए वो इसीलिए बोलने आती है कि नमक है क्योंकि मीठा होगा ना इसीलिए उसको नमकीन करने आई है बोलो ठीक है चलो फिर आ जाओ भाई अगली बात करते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। हाँ भाई साहब ब्रशिंग योर टीथ हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टूट डी के जस्टिफाई लो भाई साहब बताओ ब्रश करने में टूट डी के नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ब्लड जो ब्रश होता है ब्रश में क्या घिसते हो पेस्ट क्या लगाते हो टूट पेस्ट एसिडिक होता है कि बेसिक तो जो बेस होगा वो एसिड को क्या कर देगा बस ये वर्ड तुमने लिख दिया तो जिंदगी तर जाएगी तुम्हारी मजे करो भाई साहब आ जाओ अगले क्वेश्चन में चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखते हैं भाई साहब लियो भाई बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए अपने हाइड्रोकार्बन के राहुल टुक द फॉलोइंग एग्जांपल सी टू एच सिक्स सी टू एच टू सी थ्री एच एट सी फोर एट विच टू कंपाउंड कुड बिलोंग टू द सेम लोगा सीरीज बोलो भाई इतना अच्छा क्वेश्चन भाई देखो सी एच टू में किसका फर्क है पहले का और तो तीसरे का बिल्कुल सही बात है भाई साहब पहले में और तीसरे में है तो ये लाई करेगा हाँ गिव रीजन फॉर द योर क्वेश्चन गिव रीजन फॉर द योर क्वेश्चन तो भैया कह रहा है विच टू कंपाउंड की कूड बिलोंग टू द सेम होमोलोग बोलो कौन है पहला और थर्ड बहुत बड़ी सा बिल्कुल सही बात है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गिव रीजन टू योर आंसर मैंने बातों बातों बता दिया सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है चलो भाई साहब ये रामायण पढ़ लो बस 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 भाई साहब ये हो गया रामायण पढ़ लो आप लोग देखिए लिखिए सी एस टू का फ़र्क होता है बोलो येस और नो हाँ और सब सेम फार्मूले को फॉलो करते हैं सभी सेम फार्मूले को फॉलो करेंगे जैसे मैंने बताया था एल के इन तो सारे के सारे एल के एन फैमिली के होंगे चलो बहुत बढ़िया हो गया अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ दौड़ लगाते हैं आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हाँ डिफाइंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट ओके बेटा डिफाइंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या कहता है जब कोई व्हाइट कलर की लाइट प्रिस्प से टकराती है तो सात कलर में टूट जाती है इस घटना को क्या बोलते हैं डिस्पर्सन विच कलर बैंड द मोस्ट बोलो भैया सबसे ज्यादा बैंड कौन सबसे ज्यादा वॉयलेट होता है और सबसे कम बस भाई साहब बिल्कुल सही है ठीक है ना तो आंसर देखिए देखो पढ़ लो डिस्पर्सन ऑफ अटफाइट लाइट द कमेंट ऑफ कलर वैन लाइट पासिंग थ्रू द ग्स वाइट लाइट स्पीड इनज्म ग्स डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर मतलब मेरे बच्चों अलग अलग कलर के लिए लाइट की स्पीड अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग कलर के लिए लाइट का रिफ्लैक्टिव इंडेक्स जो होता है अलग अलग हुआ करता है चलो बताओ भाई वॉयलेट कलर सबसे नीचे जाएगा बोलो हाँ ना तो सबसे ज्यादा बेंड कौन सा कलर होगा सबसे कम कौन सा कलर बेंड होगा रेड यस ठीक है ओके तो वायलेट कलर जो है बच्चों देखिए सबसे नीचे जाएगा सबसे ज्यादा डिफ्रेक्ट होता है और जो रेड कलर होता है वो सबसे कम ज्यादा डिफ्रेक्ट होता है है ना डेविएट होता है डिफ्रेक्ट वर्ड इस्तेमाल ना करें वहां पे डेविएट वर्ड इस्तेमाल करें आइए

चलिए आगे क्वेश्चन करते लो भाई सिंपल क्वेश्चन बढ़िया सा द वैल्यूज फॉर करेंट फ्लोइंग इन द गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर दिया गया है प्लॉट ग्राफ भाई साहब आपको इसमें आप ग्राफ पेपर मिलेगा बोलो यो yes. एक एक्सेस में वी ले लेना और एक एक्सेस में आई ले लेना ले लोगे एक एक्सेस में व्ही ले लिए और एक एक्सेस में आई ले लिया और आप जो है दोनों को आराम से क्या करिएगा ड्रॉ कर दीजिएगा ठीक है ना दोनों को ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे नहीं करेंगे अब चलिए इसके बाद आपसे बोला गया है कि आपको निकालना है रजिस्टेंस क्या निकालना है रजिस्टेंस क्या निकालना है रजिस्टेंस सबने बच्चों ने पढ़ा है वी इक्वल टू होता है कितना आर आई तो आर इक्वल टू कितना होता है वही अपॉन जहां का मन करे वहां का वी पकड़ लो जो सरल सा दिखे आपको जहां का मन करे वहां का व्ही आप पकड़ लो दो ठो भी पकड़ लो तो देखिए यहाँ के आगे थोड़ा सा कितना है दस है बोलो या सोनो और टेन पॉइंट टू है कितना है टेन पॉइंट टू है तो यहाँ का वोल्टेज है टेन पॉइंट टू और यहाँ का वोल्टेज कितना है सिक्स पॉइंट सेवन तो देखिए दो वोल्टेज का डिफरेंस टेन पॉइंट टू माइनस सिक्स पॉइंट सेवन अब टेन पॉइंट टू के करस्पॉन्डिंग जो करेंट है वो कितने एम्पियर है? है बोलो थ्री और 6.7 के करोस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कितनी है टू तो नीचे कितना आएगा थ्री माइनस टू तो मतलब ऊपर आ जाएगा चेंज इन वोल्टेज और नीचे आ जाएगा चेंज इन करंट कोई दिक्कत तो यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट आ जाएगा ठीक है ना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ yes, अब आप में से कुछ लोग सवाल कर रहे होंगे कि सर इसमें सीधे आपने कहीं का वोल्टेज और कहीं का करंट डिवाइड क्यों नहीं किया बच्चों वो इसलिए क्योंकि अपना ग्राफ जो है नीचे तक टच नहीं कर रहा है अगर ये ग्राफ मान लो नीचे तक टच करता तो हम जो है हम इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे वोल्टेज और करंट की वैल्यू डिवाइड करके चलिए कर लेते हैं मान लेता हूं मैं ग्राफ अब मेरे पास देखो देखो मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है तुम्हारे पास क्या होगी स्केल होगी अगर स्केल से ये ग्राफ सपोज मान लो जीरो से चला जाता तुम्हारी मदद कर रहा हूं यहां पे देखो अगर ये ग्राफ जीरो से चला जाता तो मालूम फिर आप कैसा लगाते फॉर्मूलाईन आई चलो एक बार अटेप कर लेते हैं एक बार कोशिश कर लेते हैं यहां तक का वोल्टेज है इस पॉइंट का कितना है सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स पॉइंट सेवन तो वोल्टेज की जगह कितना रखा अपन सिक्स पॉइंट सेवन और सिक्स पॉइंट सेवन पर करेंट कितनी है दो. दो अब एक काम करो कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिवाइड करके देखो सिक्स पॉइंट सेवन या यहीं पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ थ्रू तीजा जा सिक्स ओके पॉइंट लगेगा टू जा फिर से सेवन और कितना आएगा फाइव तो आंसर कितना आ गया थ्री पॉइंट थ्री फाइव हल्का सा डिफरेंस आया है हल्का सा डिफरेंस आया है इसलिए ठीक है हल्का सा डिफरेंस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वोल्टेज का डिफरेंस दो पॉइंट पर लेकर के करें क्योंकि आगे का ग्राफ इसमें क्लियर नहीं है कहां जा रहा है ठीक है ना हां तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट लो भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है माई मॉम बेक द केक सुनिए माई मॉम बेक द केक बट केक डिड नॉट राइज एस शी हैड फॉर गेटेन टू एड एन इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट भाई साहब मम्मी ने केक बनाया और केक में क्या नहीं डाला होगा सोडा बिल्कुल सही बात है बेकिंग पाउडर नहीं डाला होगा जिससे कि वो उठा नहीं होगा केक फूला नहीं होगा क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड देती है च इनग्रीडियंट शी फॉर गेटेन दैट वुड नॉट गिव द केक सॉफ्ट एंड एंड फ्लू गिव रीजन एन केमिकल इक्वेशन लिओ भाई साहब बनाना है आपको की कौन सी रिएक्शन होती है ये लीजिए उसकी मम्मी ने भूल गया होगा एट बेकिंग पाउडर वाइल मेकिंग द डॉ फॉर द केक डॉ मतलब गुथा हुआ आटा डो यस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द बेकिंग गर्म करने पर द बबल्स ऑफ द गैस इन्वॉल्व लिब बिहाइंड पोर्स विच मेक द केक सॉफ्ट एंड फ्लफी लेट सी द रिएक्शन गाइस टू एन एच सी ओ थ्री है अपने पास में जब इसको हीट दोगे तो एन ए टू सी ओ थ्री प्लस सी ओ टू प्लस ये जो सी ओ टू गैस हो निकलती है ये वहां पर पोर्स बनाने में रिस्पॉन्सर होती है जो आपके ब्रेड में डबल रोटी में पिज्जा में बर्गर में सब में बिल्कुल फोड़ करके उनको निकल जाती है आइए बात करते हैं यूजिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर के भाई यूजिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर जितने भी एंटेसिड होते हैं ओहो ई नो सुना इनो काम शुरू सिर्फ ठीक है भाई साहब ठीक है ना तो आपको पता है छह सेकंड में काम शुरू सब में जितने भी एंट एसिड होते हैं एसिडिटी की दवाइयां सब में क्या मिलाया जाता है बेकिंग सोडा चलो भाई साहब अगला देखते हैं इसका क्या यूज होता है बेकिंग बींग एल्काइन इट न्यूट्रलाइज द एक्सेसिड इज इन द स्टमक हां न्यूट्रलाइज कर देता है एंड प्रोवाइडर्स रिलीफ गाइज नाउ द सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं ये सोडा एसिड फायर एक्स्टिंगर में मिलाया जाता है किसमें सोडा एसिड में ऐसी 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 जो जो पानी से जो पानी से से नहीं बुझती हैं जैसे शॉर्ट सर्किट की आग हो गई पेट्रोल की आग हो गई उन आगों को बुझाने के लिए पानी की नहीं की वो भी सोडा वो भी कौन सा सोडा, सोडा एसिड तो सोडा एसिड में इसका इस्तेमाल किया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद और वाला क्वेश्चन है लो भाई ड्राई पैलेट्स ऑफ बेस एक्स वेन कैप्ट इन ओपन एब्सोर्व मॉइस्चर एंड टन सिस्टी की जब बेस की गोलियां होती हैं तो मैंने बताया था भाई गोली के फॉर्म में एक ही बेस आता है मस्त एकदम जिसका नाम है एन क्या नाम है एन ए को जब आपने पानी सामने मॉइस्चर में रखते हो तो ये बिल्कुल पिलपिला हो जाता है क्या हो जाता है पिलपिला चिपचिपा टाइप का जिसको स्टिकी बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टिकी द कंपाउंड इज फॉर्म बाई द क्लोरलकली प्रोसेस मेरा दावा पक्का नौह. हो गया मेरा दावा पक्का हो गया क्योंकि क्लोरअल्कली प्रोसेस से क्या बनता है एनए एन ए ओ एच मैं चलो मैं केस जीत जाऊंगा अब आगे बात करता हूं राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द एक्स बता दो भाई केमिकल फार्मूला क्या होता है एन डिस्क्राइब -oh. -oh. क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ा रखा बच्चों क्लोर अल्कली प्रोसेस -oh. ब्राइन वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो एन ए ओ एच याद आया तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन एक्स ट्रीटेड विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिसिड और भाई इतना इजी क्वेश्चन कह रहा है जब एनएच को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अरे एसिड और बेस को लड़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगी बिल्कुल सही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन राइट द केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सही चलो देख लो भाई साहब कैसी कैसी रिएक्शन होती है इतना सारा ज्ञान दे दिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लियो क्लोरल कली प्रोसेस बिल्कुल याद कर लो एग्जाम में दो परसेंट आएगी टू एन ब्राइन वाटर के साथ पानी को भिड़ा दिया ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी एन बन गया क्लोरीन बन गई और हाइड्रोजन बन गया बोलो योनो हाइड्रोजन कहाँ पर बनता है बच्चों एनोड पे की कैथोड पे हाइड्रोजन कहाँ पे बनता है एनोड पे और क्लोरीन कहाँ पे बनती है कैथोड पे देखो भाई एनोड होता पॉजिटिव की कैथोड होता पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव होता है तो एनोड पे क्लोरीन जाएगी और हाइड्रोजन किस पे जाएगा कैथोड पे उल्टा बोल दिया आपने है ना चलो अब इसके बाद कह रहा कौन सी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलिए क्लियर है प्रोसेस का नाम क्लोरल कली प्रोसेस अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा एग्जाम में पक्के से आएगी क्या कह रहे थे यार क्वेश्चन पेपर टफ है इतना ईजी क्वेश्चन है तो चलो क्वेश्चन नंबर भाई साहब बायोलॉजी का क्वेश्चन है ग्लैंड दैट द हॉर्मोन क्या हो गया भाई को यार इसको शुगर हो गई है ओके डायबिटीज हो गई है भाई को मतलब भाई साहब इसमें तो इसका काम है इंसुलिन का है ना हाँ इंसुलिन कौन रिलीज करता है वो पेंक्रियास है ना भैया ग्लैंड ग्लैंड ये देख लो भाई साहब ठीक है ना चलो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीशन कंपाउंड ए टू बी एटम ए लूज वन इलेक्ट्रॉन ईच एटम बी गेन इलेक्ट्रॉन शोन द फॉर्मेशन ऑफ द ए टू बी लो भाई क्या करना था इसमें केमिस्ट्री के सिंपल फंडे लगने थे आ जाओ देख लो भाई क्या होता है ये देखिए देखो भाई साहब यहां पर ए ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए बोलो ये सोनो एटम एटम कितने एक दो हैं कितने हैं एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला भैया इसने भी रिलीज किया इसने भी रिलीज किया बोलो हाँ तो ए ने दो रिलीज कर दिया और इसने दो पकड़ लिए बोलिए ऐसा नो हाँ तो इसने बी ने दो पकड़े तो बी का जो आयन बना वो माइनस टू बना कि नहीं बना और ए का आयन जो बन गया वो ए प्लस बन गया और कितने लगे हैं दो लगे हैं आगे बेटा इधर नहीं बनेगा इधर बनेगा क्योंकि ए के दो यूज हो रहे हैं बोलो ये सोन अब दोनों में जब इनमें बॉन्ड बनेगा तो बेटा कंपाउंड क्या बनेगा ए टू बी बोलो ये सॉ नो ए टू बी क्योंकि ए के कितने पॉजिटिव हैं चार्ज दो और बी के कितने हैं माइनस दो बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्लियर हो गया कि नहीं हुआ तो इस तरीके से अब कह रहा है इसके बारे में प्रॉपर्टी पूछी गई है कि ये कैसा कंपाउंड होगा भाई साहब आयनिक बॉन्ड होगा कैसा बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भाई प्रॉपर हाँ प्रॉपर्टी पूछी है बोलो पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा घुलेगा आयनिक बॉन्ड है बोलो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा नहीं करे नहीं इतना क्यों नहीं करेगा कौन कह रहा भाई नहीं करेगा नहीं अरे जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी की तो लिक्विड घोल के ही बात करूंगा आयनिक कंपाउंड की मैं लिक्विड घोल के ही बात करूंगा हाँ ये बात अच्छी आपने करी कि आप लिख दीजिएगा इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टेन स्टेट समझ में आया कि नहीं आया चलो बहुत बढ़िया ओके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया भैया अपना क्वेश्चन नंबर अपना हो गया थर्टी वन है ना थर्टी टू आंसर द फॉलोइंग थर्टी टू क्रोमोजोम वाला क्वेश्चन है थर्टी वन तो चलो बायोलॉजी का क्वेश्चन है कर लेना आंसर द फॉलोइंग वाई रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करवेचर ऑन कॉन के करे मेरा रीच री रिट्रेसेस इट्स पाथ रिट्रेसेस